तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मसामुने कुन नो रिवेंज आर के सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 और 1K लाइक का। अगर आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है, और अगर आप ये नहीं करवा पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एपिसोड जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो इस एनिमेशन का नेक्स्ट एपिसोड में वहीं पर स्टॉप कर दूंगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फुजिनो जो होती है यहाँ अक्की को बोलती है कि हे अक्की, क्या तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रही हो? मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ उसे अंडरस्टैंड करो और मेरी बात को समझो। मसामुने जो है वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो। और ऐसा बोलते हुए वो रोने लग जाती है। बट यहाँ पर अक्की कहती है कि तुम्हें पता है कि वो मुझे लाइक करे या ना करे, बट मैं तो उसे हमेशा ही लाइक करती थी, और मैं जो हूँ अपने रास्ते पे ऐसे ही चलती रहूँगी। वैसे मैं एक बात बोलूँ, तुम और मैं जो हूँ एक सेम बोट पर हैं। हम दोनों की फीलिंग्स उसके लिए सेम तरह से ही हैं। और यहाँ से जाते हुए अक्की कहती है कि मेरी जो फीलिंग्स है मेरे दिल के बहुत ही गहराइयों से आती हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि वो स्कूल से बाहर जा रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ मकाबे बाहर आ रहा होता है और अपने घर पे जा रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अक्की कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट करा दिया। वो ये योशिना को बोलती है। योशिना यहाँ पर कहती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा दुखी लग रही हैं, क्योंकि वो दुखी होकर बोलती है। अक्की बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्की छुपाने का बहुत ट्राई करती है बट योशिना के आगे वो छुपा नहीं पाती है। योशिना कहती है, आप झूठ बोल रही हैं। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, मैं झूठ बोल रही थी, मेरी थोड़ी बहुत बात फुजिनो से हुई थी। वो बोल रही थी कि वो मकावे के बारे में, कि मैं जो हूँ उसके बारे में गलत सोच रही हूँ, और वो चाहती है कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूँ। और यहाँ पर योशिना जो होती है इसकी बातों को सुनकर रोने लग जाती है। और यहाँ पर योशिना कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। यहाँ पर अक्की कहती है, वो सही तो कह रही थी, मकावे मुझसे कहाँ प्यार करता है, बस वो जो है प्यार करने का एक्टिंग करता है, और वो भी इसीलिए शायद मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। योशिना कहती है कि नहीं, ये सच बात नहीं है, सारी गलती जो है इसमें सिर्फ मेरी ही है। यहाँ पर अक्की कहती है, क्या बोल रही हो योशिना, सोच समझ कर बोलो। वो कहती है कि हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, आपको गलत आइडिया है, सारी गलती मेरी ही है। यहाँ पर जो योशिना है वो सारी बातें बता देती है। वो बोलती है कि बचपन में जब वो भागते हुए मसामुने आया था हमारे घर पर, तो आप जो है बीमार थी और मैंने उसे पिग फुट कह दिया। जब उसे बच्चे तंग कर रहे थे वो आपके लिए फूल लेके आया था और रोता हुआ चला गया। मैंने इसलिए ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप जो है मुझसे दूर चली जाओ। ये सुनकर अक्की जो होती है वो रोने लग जाती है। वो यहाँ पर योशिना कहती है कि आपकी फीलिंग और पिग फुट की फीलिंग दोनों ही सेम हैं, आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि वो अपना अम्ब्रेला उसके सर के नीचे रख देती है और कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं। सीन जो होता है वो चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि मकावे जो है यहाँ पर विंडो के पास खड़ा है। बाहर बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा होता है। उसकी बहन आती है उसके पास और कहती है चलो बाहर स्नोफॉल से खेलते हैं। यहाँ मकावे जो होता है वो उसे मना कर देता है। वो कहता है तुम बाहर जाओगी तो बीमार हो जाओगी। यहाँ उसकी बहन कहती है ठीक है, ग्रैंडपा जैसे सोच वाले बंदे तुम यहीं पर रहो, मैं तो जा रही हूँ। यहाँ पर वो परेशान हो जाता है और बाहर आकर खेलने लग जाता है। वो यहाँ पर एक स्नोमैन बना देता है और इसको देखकर उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये तो अजीब सा दिख रहा है, तो वो बताता है कि ये जो है स्नोमैन ही है और ये मेरा बेस्ट वाला है। वो अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर उसकी फ़ोटो लेने लग जाता है।
यहाँ फोटो लेने वक्त यहाँ पर उसकी बहन पूछती है कि अरे तुम फोटो क्यों ले रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को सेंड कर रहे हो क्या, बताओ ना मुझे। यहाँ मॉम कह रही थी कि तुम उसे अपने घर पे इनवाइट कर सकते हो क्योंकि वो उसे मिलना चाहती है। यहाँ पर उसकी बहन चुप ही नहीं होती, वो कहती है कि चलो नेक्स्ट वीकेंड जो है हम प्लान रखते हैं और उसे अपने घर पे बुला लेते हैं, और सारी राम कहानी खुद ही कह देती है। यहाँ पर मकावे कुछ बोल नहीं पाता और सीन चेंज हो जाता है। हम स्कूल में आ जाते हैं जहाँ सभी बच्चे परेशान हैं कि वाइट डे के दिन हम दे क्या अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को। यहाँ पर जो वो लड़का है कुजीरो, वो सोचने लग जाता है क्योंकि मन ही मन ये जो है लाइक करता है फुजिनो को। फुजिनो जो है जब वहाँ रूम से बाहर आती है तो वो बाहर ही होता है। यहाँ पर वो कहता है कि क्या हुआ, वो कहती है कि कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस उसे बता रही थी अक्की को कि वो जो है उसे छोड़ दे, बट वो छोड़ना नहीं चाहती है। यहाँ पर कुजरो कहता है कि इसे कहकर आपने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैंने अभी के लिए तो हर्ट कर लिया है उसे, बट बाद में उसके लिए ही अच्छा होगा, मुझे लगता है कि वो मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर पाएगी बाद में, बट अभी के लिए तो वो मुझे एक विलन की तरह ही समझ रही होगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब हम चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर योशिना अपने फ़ोन में कुछ कर रही होती है। फुजिनो को देख कर वो यहाँ से भाग जाती है, उसे बात बिल्कुल भी नहीं करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मसामुने है वो यहाँ पर लेके आता है मील अक्की के लिए। अक्की उसे खा लेती है और कहती है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर उसे टीज करने के लिए कहता है अच्छा मुझे लगा कि तुम्हें 5-6 ब्रेड और चाहिए तब तुम्हारा पेट भरेगा। यहाँ पर वो उसे घूर कर देखती है और वो हंसने लग जाता है। यहाँ पर वो कहती है चुप हो जाओ अब तुम, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हो मेरा। यहाँ मसामुने कहता है कि अरे मैंने तुम्हें सुबह फ़ोटो भेजी थी तो तुमने देखा क्या, तो वो अब यहाँ पर मजा लेने लग जाती है अक्की। वो कहती है अरे वो फ़ोटो तो बिल्कुल ही बेकार था, मुझे बिल्कुल भी देखकर मज़ा नहीं आया। यहाँ पर फिर वो कहती है अरे मैं मजाक कर रही थी, तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो, मुझे लगता है वो जो है तुमने बनाया था स्नोमैन उसे देखकर तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा खुश हुई होगी। यहाँ मकावे कुछ सोचने लग जाता है तो यहाँ अक्की कहती है अरे तुम क्या सोच रहे हो, तो वो कहता है अरे मुझे माफ़ कर दो अभी बताता हूँ तुम्हें मैं क्या सोच रहा था, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है मेरे लिए। यहाँ पर अक्की कहती है क्यों क्या करना है तुम्हें, वो बोलता है बताओ ना तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है क्या। वो कहती है ज़्यादा होप रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो बताता नहीं है और सीन चेंज हो जाता है। हम फुजिनो को देखते हैं, फुजिनो जो है यहाँ बाहर जा रही होती है तभी कोजू जो है यहाँ पर आ जाता है। कोजू भी यहाँ पर फुजिनो को लाइक करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ क्या मैं चल सकता हूँ, वो कहती है बिल्कुल चल सकते हो। वो दोनों जो है साथ में चलने लग जाते हैं। यहाँ पर वो कहती है फुजिनो कि मुझे जो है तुम्हारे साथ चलना बहुत ही अच्छा लगता है। कोजू के मन में बहुत ही अच्छा लगता है, वो कहता है कि हाँ मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही चलना चाहता था। फुजिनो कहती है कि हाँ मुझे छोटी छोटी बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी अच्छा लगता होगा। यहाँ पर वो कहता है कोजू कि अगर तुमने जो है अक्की को इतनी सारी बातें कही है तो इससे तुम बहुत ज़्यादा ईवल हो चुकी हो स्कूल के अंदर। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करती हूँ, ऐसा बोलकर उसे मैं तो बस यही चाहती थी कि वो दोनों जो है एक दूसरे को अपने फीलिंग्स को समझें, फीलिंग्स को दबा के रखने में कोई प्यार नहीं होता है, यही मैं नहीं चाहती थी क्योंकि अक्की भी अपने फीलिंग्स को दबाती थी और मकावे भी अपनी फीलिंग्स को दबाया करता था, दोनों खुल के बात नहीं करते थे। यहाँ पर वो कहता है कोजू कि तुम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही अच्छी लड़की हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर जो अक्की होती है उसके पास योशिना आती है सब प्लान लेकर, क्योंकि वो वाइट डे का प्लान कर रही होती है। यहाँ पर उसने बताया नहीं है अक्की ने मकावे को कि वो क्या प्लान कर रही है। यहाँ अभी भी वो माफ़ी मांगने लग जाती है योशिना दोबारा से उसने जो गलती करी है। यहाँ बोलती है अक्की कि तुम्हें उसके लिए बार बार माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात के लिए कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। योशिना कहती है थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अक्की फ़ोन करती है मकावे को, वो कहती है कि ये टाइम सही है तुमसे बात करने का, वो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि मैंने जो है वीकेंड के लिए कुछ प्लान किया है, मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहती हूँ एक डेट के लिए। यहाँ पर उसके होश उठ जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक जो होता है वो वाइट डे होता है,
वो कहता है, अच्छा सच में? वो जो है चेक करने लग जाता है। वो कहता है कि अरे मैंने तो कोई प्लान ही नहीं किया है कि वाइट डे पे करना क्या है मुझे। और वो जो है घबराने लग जाता है और अपने कंप्यूटर को देखने लग जाता है कि उसमें से कोई प्लान निकलेगा और वो उसको बताएगा कि क्या करने वाले हैं। अगर वाइट डे के बारे में पता नहीं है तो तुम सर्च कर सकते हो। वैसे वाइट डे जो होता है वैलेंटाइन डे के बाद आता है, जिसमें गिफ्ट देना पड़ता है रिटर्न। बहुत सारे एनिमेशन में मैंने तुम्हें बता दिया है, तो तुम देख भी सकते हो और तुम्हें पता भी होगा। हम देखते हैं गूगल पे सर्च करता है, बट यहाँ पर जो अकी होती है वो कहती है, मैंने ही पहले ही प्लान कर लिया है, हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। वो कहता है, मगा बे की ये तो बहुत अच्छा है। फिर अकी यहाँ पर गहरी सांस लेती है और गुड नाइट कह देती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मकाबे अपनी बहन से राय ले रहा होता है कि वो क्या दे। वो कहती है, रिंग दे सकते हो, बट वो समझता है कि रिंग देना अच्छा नहीं रहता है। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि जैसे तुम्हें वो उसने बनाकर कुछ खिलाया था, वैसे तुम भी कुछ बनाकर खिला सकते हो। यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि चलो मैं भी बनाकर खिलाऊंगा। और वो जो डिसाइड करता है बनाने का, वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। उसकी मॉम कहती है कि अरे इसे छोड़कर कुछ कुकीज टाइप का बना लो ना। वो कहता है कि नहीं, मैं तो यही बनाऊंगा। वो जो है मैक्रोन करके कोई डिश होता है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैं बनाऊंगा तो यही, या वरना नहीं बनाऊंगा। मैं जो हूँ इतनी आसानी से गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ जो मकाबे होता है वो जो है बहुत सारे डिशेस को बनाना स्टार्ट कर देता है, बट वो जो है बनाते बनाते थक जाता है। बट उसका कोई भी डिश जो है वो परफेक्ट शेप में बनता ही नहीं है, और ना ही उसका टेस्ट जो होता है मैक्रोन्स की तरह होता है। और वो फाइनली हार मान जाता है और स्कूल में अपने दोस्त कोजू से बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है। कोजू कहता है, अरे तुम्हें कुछ देना है ना उसे? तो वो कहता है कि हाँ। तो वो को कहता है कि तू उसको क्या पसंद है? तो वो कहता है कि कुछ भी जो उसको अच्छा लगता है, स्वीट टाइप का कोई चीज़ पसंद है उसे। तो यहाँ पर कोजू कहता है कि मैंने एक जो है रेस्टोरेंट देखा है, वहाँ चलते हैं। अब कोजू और यहाँ पर जो हमारा मकाबे होता है वो रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं शाम को स्कूल के बाद। हम देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। मकाबे जो होता है वो कहता है, अरे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, ये लोग सभी जो है वाइट डे के लिए कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं। ऐसा कोजू कहता है। कोजू कहता है कि कोई जो है कपल के लिए लेने आया हुआ है, तो कोई जो है अपने मैरिड जो कपल है अपने वाइफ के लिए लेने आया हुआ है, और कोई वाइफ जो है अपने हस्बैंड के लिए लेने आई हुई है। तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पर जो है ये टाइम लिमिट वाला सिस्टम है, तो जल्दी से जल्दी अपना जो है डिश ले लो और निकल लो यहाँ से। यहाँ पर जो मकाबे होता है एक क्यूट सा कैरेट वाला जो है बनी देख कर खुश हो जाता है। वो कहता है, इसी को ले लेता हूँ। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अक्की को। और यहाँ पर वो फाइनली वो उसे ले लेता है। हम देखते हैं कि वो जो है लेने के बाद यहाँ से जाने लग जाते हैं। रास्ते में जो मकाबे होता है वो कहता है कि कोजू तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, उसके लिए थैंक यू। वैसे तुम जो हो ये क्या लेके जा रहे हो अपने हाथों में? यहाँ पर कोजू कहता है कि अरे मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ले लेता हूँ अगर यहाँ पर आया था तो, वैसे भी टाइम लिमिट वाला था। फिर वो बता ही देता है कि मैंने फुजिनों के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा मकाबे है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यहाँ अक्की जो है तैयार होकर जाने लग जाती है डेट पर। अपनी मेड को देखकर कहती है कि तुम जो हो बहुत अच्छी दिख रही हो। और यहाँ सिनोमोए को कहती है, चलो फिर मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। सिनोमोए कहती है कि आपका अच्छा टाइम बीते। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी मॉम होती है सिनोमोए की, वो कहती है तुम भी अपना जो है टाइम इन्जॉय कर सकती हो। यहाँ पर वो मन में कहती है कि मैं तो इन्जॉय करना ही भी नहीं चाहती हूँ इस तरह की चीज़ों को। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी जो है मॉल में आ जाते हैं, बट यहाँ पर जो हमारा अक्की है वो लेट हो जाती है, और यहाँ पर मकाबे जो है वो जल्दी आ जाता है। वो यहाँ पर देखने लग जाता है, वो सोचता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ या नहीं आया हूँ। तभी यहाँ अक्की आ जाती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि वो सही जगह पे आया है। अक्की कहती है कि तुम जो हो इस जगह को कभी भूल नहीं सकते हो और कभी भी गलत जगह पे जा नहीं सकते हो, क्योंकि अक्की ने यहाँ पर बचपन में बहुत बार लेके आई होती है मसामुने को। हम देखते हैं कि यहाँ पर मसामुने कहता है कि या तुम कुछ लेने आई हो? वो कहती है कि एक सेकेंड रुको, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। यहाँ पर वो कहता है, लड़का कि आपको क्या चाहिए? वो लड़के को कहती है कि तुम्हें मुझे याद नहीं हूँ क्या, तुम मुझे जानते हो? वो कहती है कि तुम जो हो मेरे बंगलों के आगे खेला करते थे बचपन में, याद है तुम्हें?
फिर कहता है अच्छा अडाकी, अक्की का जो विलेज था, वो बोलती है कि हाँ अक्की का जो प्लेस था वो उसके आगे खेला करते थे तुम। वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे याद है। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें ये लड़का याद है जिसे तुम लोग छेड़ा करते थे। फिर वो जो लड़का होता है वो मकाबे को देखता है और मकाबे को देखकर वो जो है थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो तो बहुत ज़्यादा मोटा हुआ करता था। यहाँ बताती है जो अक्की होती है कि इसने जो है थोड़ा सा वेट जो है बहुत ज़्यादा ही कम कर लिया है, इसीलिए अब ये ऐसा दिखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है उसको याद आ जाता है सब कुछ, जो मकाबे होता है उसको भी और उस लड़के को भी। वो लड़का कहता है कि अच्छा अब मैं जो हूँ पहचान गया हूँ इसे, और मैं जो हूँ इससे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने जो है बचपन में ये सारी गलतियाँ इसके साथ की हैं। यहाँ जो मकाबे होता है उस लड़के को देखता है और देखकर फिर वो जो है यहाँ उसको कुछ नहीं बोलता है और वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो हमारी अक्की होती है चलते हुए कहती है अब तो तुम्हें थोड़ी शांति मिली होगी ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये सब तुमने पहले से ही प्लान कर लिया था। वो कहती है कि हाँ ये सब मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था, अगर तुम चाहो तो और भी जो लड़के हैं उन सभी को मैंने जो है ढूंढ के रखा है, तुम उनसे भी मिल सकते हो। वो कहता है कि नहीं मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि वो लड़का पहले ही मुझे देखकर बहुत ज़्यादा ही घबरा और डर गया था, तो अब मुझे किसी और से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ अक्की ये सब प्लान सिर्फ इसलिए करती है कि जो उसके अंदर का डर है वो निकल जाए। और साथ में अक्की ये भी कहती है कि तुम जो हो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो मसामुने, अब तुमने जो है बहुत ज़्यादा वेट भी कम कर लिया है और तुम जो हो बहुत ज़्यादा चेंज भी हो चुके हो, तो अब तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया है, अगर नहीं आया है तो दोबारा बोलो मैं तुम्हें किसी और से मिला देती हूँ। वो और जो है यहाँ पर मकाम मसामुने वो रोने लग जाता है। वो कहता है थैंक यू अक्की। वो कहती है कि हाँ थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मसामुने उसे गिफ्ट देता है वाई डे के लिए। यहाँ वो कहती है अच्छा सचमुच मेरे लिए है क्या। मसामुने कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए है, बट मुझे माफ़ कर देना मैंने बहुत ज़्यादा बनाने का ट्राई किया पर घर पे ये बना ही नहीं। वो कहती है कि अरे उसमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टेस्ट से फ़र्क पड़ता है, तुमने कोई बनाने की ट्राई तो किया कम से कम, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो मकाबे होता है वो उसे टच करके कुछ कहने वाला होता है और वो अभी टच ही करने वाला होता है तभी यहाँ पर वो कहती है कि मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ और मैं अगर देखना चाहती हूँ कि इसे तुम फेंक दोगे या रखोगे, फेंक दोगे तो किसी अच्छे बंदे को ही मिलेगा। अब यहाँ पर वो ऐसा क्यों कहती है और साथ में कहती है गुड बाय मकाबे मसामुने कुन और स्माइल करते हुए यहाँ से चली जाती है। अब देखने वाली बात तो ये है कि इसने गुड बाय क्यों कहा और इसका गिफ्ट क्यों नहीं लिया। क्या सचमुच अक्की जो है यहाँ पर मकाबे को छोड़कर चली जाएगी या क्या कुछ अलग सा ही प्लान है? क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।